तो टॉपिक का नाम है इलास्टिसिटी। ठीक, जो इलास्टिसिटी है बेसिकली ये किस में डील करती है और ये यूनिट है क्या? कई बार इस किसी बुक में लिखा होता है स्टेट्स ऑफ मैटर, कई बार लिखा होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, तो ऐसे बहुत सारे नाम है इसके। एक्चुअल में मोटा मोटा बता देता हूँ, इस पूरे महीने हमने एक महीने के अंदर 5 चैप्टर करेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं। ये किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं सॉलिड्स और लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज पे। सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो एक दो किस्म की प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की जो हमने स्टडी करनी है। पहली इलास्टिसिटी, कोई मटीरियल अगर इलास्टिक है तो वो कितना इलास्टिक है। क्यों क्यों पढ़ी जाएगी इलास्टिसिटी? सोचने की बात है यार, क्यों पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी? क्या पता है तो रबर बैंड इलास्टिक है और क्या एप्लीकेशन है? मिठाई का डब्बा पैक करना है, दो बार लपेटो मिठाई बाहर नहीं गिरेगी, इलास्टिक है ना। एक एक एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया, पर हम उस लेवल पे काम नहीं करेंगे। अब थोड़े हम बड़े हो गए हैं, थोड़ा और लेवल पे काम करेंगे, क्योंकि आफ्टर 3 or 4 years या 5 years आप ऑब्वियसली रबर बैंड के ऊपर काम नहीं करने वाले। आप करने वाले हैं जैसे आपको घर बनाना है, जब आप घर बनाते हैं तो फाउंडेशन करते हैं, और आजकल तो इतना ज्यादा स्टील डलता है, आपने देखा होगा स्टिल्ट पार्किंग्स बन रही हैं, उसमें 8 कॉलम डलते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4, और पूरी की पूरी बिल्डिंग 8 कॉलम पे बेस्ड है, दीवारों के ऊपर बेस्ड नहीं है। पहले मकान बनते थे दीवार का लोड के ऊपर दीवार का लोड के ऊपर दीवार का लोड, ठीक है, नीचे बीम है। अभी बनते हैं स्टील स्टील एंड स्टील, स्टील का स्ट्रक्चर लेंटर, स्टील का स्ट्रक्चर एक और लेंटर, ठीक। अब स्टील इतना स्टील क्यों यूज कर रहे हैं भाई? दीवारों से वो ईंटों से खड़ा कर दो ना, प्रॉब्लम क्या है? लोड नहीं ले पाएगा, पहले तो स्टील स्ट्रांग है। मोर ओवर आप एलांटे के अंदर जाओ, आप पार्किंग में जाते हो, मैं कहता हूँ सिर्फ पिलर ही पिलर दिखते हैं, पूरा एलांटे की पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप 12 मंजिली बिल्डिंग पे जाओ, स्टील का स्ट्रक्चर है पूरा, कोई कुछ नहीं है, स्टील के स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा खड़ा हुआ है। रीजन, कल को 1% अगर मान लो अर्थक्वेक भी आता है तो आपको पता है स्टील कितना फ्लेक्सिबल है। एक स्टेटमेंट दूंगा आपको अजीब लगेगी, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये अजीब बात लगेगी, ये पेपर में आता है, प्रूव करो कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर बैंड से। तो ये प्रूव करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर में कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है। आप सोचो अगर लोड ज्यादा पड़ा, लोड पड़ गया और बिल्डिंग हिली, तो स्टील जो है वो इलास्टिक है, वो बिल्डिंग को संभाल सकता है। और अच्छा स्टील इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा इलास्टिक है, तो ज्यादा इलास्टिक क्या करेगा, वो इलास्टिसिटी है उसमें, वो कंप्रेसिबिलिटी सब सहलेगा। जो पुअर क्वालिटी ऑफ स्टील है वो कंप्रेसिबिलिटी कम है उसकी, बेसिकली इलास्टिसिटी कम है, और इलास्टिसिटी कम है तो वो टूट जाएगी बिल्डिंग, वो टूट जाएगा बीच में से, वो इलास्टिक नहीं रहेगा, वो प्लास्टिक शो करेगा नेचर अपनी, ठीक है। आप अगर किसी ब्रिज फ्लाईओवर पे खड़े हो जाएं, आप घर के पास जाएं ना, फ्लाईओवर है, खड़े हो जाएं, ट्रैफिक निकलेगा, देखो फ्लाईओवर ऊपर नीचे होता है, आपको डर लगता है कहीं गिर तो नहीं जाएगा, होता है ऐसे फ्लाईओवर्स के ऊपर जो पुल बने होते हैं वो कांपते हैं, इलास्टिक है वो, तभी तो कांप रहा है। और वो भी ऐसा नहीं कंक्रीट है पूरा, कोई ऐसा कोई जाल नहीं बिछा रखा लोहे का, पूरा कंक्रीट है, पिलर से ऊपर खड़ा हुआ है, आप देखो वो फिर भी झूल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर इलास्टिसिटी है, इतना ट्रैफिक इतना लोड जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको लोड को एब्जॉर्ब कर रहा है बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी। समझ में आ रहा है यहां तक? तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है इसकी इलास्टिसिटी की। तीसरा मेजर एग्जांपल लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर साफ लिखा होता है फॉर 6 persons ओनली, फॉर 12 people ओनली, बस। क्यों? लिफ्ट को किसने उठाना है? एक स्टील की तार में। क्रेन क्या यूज करती है? एक स्टील की तार, तो कोई उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी है। अब सोचो अगर पूरा दिन लिफ्ट काम करेगी, लोगों को हर वक्त चल रही है, हॉस्पिटल में जाओ बिल्डिंग में जाओ हर वक्त ऑन है, हर वक्त उस पर लोड ही लोड है, तो सोचो उसकी रस्सी पे कितना लोड पड़ा हुआ है, हर वक्त चल रही है वो, ठीक है। अब होगा क्या, अगर कॉन्टिन्यूसली यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो टूट सकती है, नॉर्मल रस्सी टूट जाएगी, क्या प्रॉब्लम है, स्टील की रस्सी है वो, स्टील इलास्टिक है, टूटेगी नहीं, पहले इलास्टिसिटी शो करेगी। आज हम देखेंगे इलास्टिसिटी अगर क्रॉस हो जाती है तो फिर वो वायर टूटती है, इलास्टिक बिहेवियर है तो वायर टूटेगी नहीं। तो इससे पहले कि वो इलास्टिक बिहेवियर लूज करे, फिक्स टाइम के बाद 6 महीने 1 साल के बाद उसकी स्टील की वायर को चेंज कर देते हैं, AMC करवाते हैं उसकी लिफ्ट की, तो चेंज होनी ही होनी है, नहीं तो उसने गिरना ही गिरना है। तो सिंपल रूल है, जहां लिफ्ट लगी होगी उसकी वायर चेंज होनी ही होनी है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है,
इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। और देखो हर जगह मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, स्टील, स्टील बहुत इलास्टिक है। तो एप्लीकेशन समझ में आ रही है। और दूसरी प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो लीक्विड्स के ऊपर काम करेंगे। लीक्विड में आप थ्रस्ट क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है। लीक्विड की और भी प्रॉपर्टीज हैं, लीक्विड के अंदर आप तैरते हो तो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। हमने सॉलिड फ्रिक्शन पढ़ी, हमने लीक्विड फ्रिक्शन नहीं पढ़ी, हम लीक्विड फ्रिक्शन भी डिस्कस करेंगे इसमें, लीक्विड कैसे फ्रिक्शन लगाती है। ठीक, शहद जो है वो क्यों ठीक तरह मूव नहीं करता, पानी बहुत तेज भागता है पाइप में, उसकी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, वो उसके अंदर फ्रिक्शन होती है शहद में, तो ये प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं, ये बात को समझ लिया जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कहां से, इलास्टिसिटी से। इलास्टिसिटी से पहले दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपने समझनी है, पहली स्ट्रेस और दूसरी स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हमने जब यूनिट्स एंड डायमेंशन किया था आपको याद होगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने तब भी आपको बताया था, किया था तो कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ऐसी टर्म्स आई थी। फिर से देखो एक बार, स्ट्रेस क्या चीज है। स्ट्रेस का बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, पहला इसका स्ट्रेस का फॉर्मूला है क्या, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बहुत सिंपल है। तो एक स्टूडेंट आया वो कहता है ये तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बाय एरिया, ये स्ट्रेस कहां से हो गया। सॉलिड के अंदर फोर्स बाय एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, लिक्विड के अंदर फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलते हैं। लिक्विड प्रेशर लगाता है, स्ट्रेस नहीं लगाता, सॉलिड के ऊपर स्ट्रेस लगता है। क्लियर है यहां तक। अब स्ट्रेस का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस के अंदर इमेजिन करो आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, आपने छत से टांग दिया, ठीक है, आपने इसको फोर्स लगाई, कैसे, ये नीचे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई जो कि इस वायर के क्रॉस सेक्शन के साथ, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि कितना है ए, इस एरिया के साथ इस फोर्स का एंगल क्या है 90, है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, एस है, और फोर्स कैसी है, ऐसी है, तो आपने फोर्स परपेंडिकुलर लगाई है क्रॉस सेक्शन के साथ, तो इससे ये वायर क्या हो गई, लंबी हो गई। तो आपने कितनी फोर्स लगाई और कितने क्रॉस सेक्शन एरिया पे लगाई, एरिया पूरी वायर का एरिया नहीं है, सिर्फ क्रॉस सेक्शन का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। क्योंकि आपने फोर्स को परपेंडिकुलर लगाया एरिया के साथ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेस, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है या फोर्स की जो वैल्यू है वो एरिया के साथ क्या एंगल बना रही है, 90, तो इसका नाम क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है कि सपोज करो आपके पास एक बॉल है, आप इस बॉल को समुद्र के नीचे ले गए 3 किलोमीटर नीचे, 3 किलोमीटर नीचे आपको ये रबर की बॉल है, ये आपको इस साइज पे मिलेगी नहीं कभी भी, ये क्या हो जाएगा, पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर, प्रेशर एरिया पे लगाएगा, तो पानी इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स किसी एरिया के ऊपर, 4πa r² एरिया के ऊपर, और ये फोर्स भी कितने एंगल पे लगेगी इसके साथ, 90, तो ये फोर्स भी 90 डिग्री पे लगेगी एरिया के ऊपर और ये कंप्रेस हो जाएगा। तो कितनी फोर्स कितने एरिया पे लगी, अगेन फोर्स क्योंकि नॉर्मल है तो ये कौन सा स्ट्रेस है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। जब भी किसी भी बॉडी पे नॉर्मल स्ट्रेस लगता है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी की वॉल्यूम को या किसी भी डायमेंशन को चेंज कर देता है। जैसे अगर नॉर्मल स्ट्रेस लगा तो लेंथ लंबी हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी, ऐसी एरिया भी क्या है वो भी, वॉल्यूम क्या है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल फोर्स जो लगी एरिया के ऊपर डिवाइडेड बाई एरिया। लेकिन एक और फोर्स है, जैसे एक और फोर्स है, और वो फोर्स क्या है, जैसे सपोज करो आपके पास एक पोल है, एक खंबा है, पतला सा ये रॉड है, और रॉड में ये आपने बेस को क्या कर दिया, बिल्कुल फिक्स, ये हिलेगा नहीं लेकिन ये थोड़ा मूवेबल है। मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें इसको टेढ़ा कर दें, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें ऐसे एंगल पे, ठीक है। तो अगर आप इसको टेढ़ा करना चाहते हैं आप फोर्स कैसे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, कैसी लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, आपकी जो फोर्स है वैसे लगेगी, मानते हो इस चीज को। फोर्स कैसे लग रही है इंपॉर्टेंट है, फोर्स ऐसे लग रही है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो इसके पैरेलल लग रही है, पैरेलल,
क्योंकि अगर मैं इसको नॉर्मल लगा दूंगा तो इसकी लंबाई चेंज हो जाएगी, ये लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं टेढ़ी लगाऊंगा, टेंजेंशियल बोलते हैं, टेंजेंशियल टू द एरिया, तो ये टेढ़ी हो जाएगी, टेंजेंशियल लगने से ये टेढ़ी हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब एक चीज देखें, इसके अंदर अगर मैं पूछूं कि स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन का अगेन एरिया, फोर्स बाय एरिया, पर इस बार जो फोर्स लगी वो कैसे लगी? टेंजेंशियल लगी, टेंजेंशियल टू द एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। तो इस स्ट्रेस का नाम क्या है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो अगर नॉर्मल फोर्स लगी यानी कि परपेंडिकुलर टू द एरिया लगी तो नॉर्मल स्ट्रेस, और अगर टेंजेंट की तरह फोर्स लगी तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस बॉडी के डायमेंशन चेंज करता है, लंबाई चेंज कर सकता है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है, लेकिन टेंजेंशियल स्ट्रेस वॉल्यूम या लेंथ चेंज नहीं कर सकता, बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है, इधर से इधर कर देगा, इधर से इधर कर देगा, लेकिन लंबाई या वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। कोई डाउट इसमें? तो स्ट्रेस कितने टाइप के हो गए? दो। पहला स्ट्रेस कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस कौन सा? टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है? अच्छी बात यह है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, फोर्स बाय एरिया, कम से कम कंफ्यूजन नहीं होगी, फोर्स को एरिया से डिवाइड करने, बात ही खत्म। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं इसके साथ साथ दूसरी टर्म की, जिसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। स्ट्रेन, ये स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब कि जैसे एग्जांपल के साथ लेता हूं, एग्जांपल है आपके पास एक वायर है, सिलिंड्रिकल वायर है, ठीक है, ये रही, आपने एक नॉर्मल फोर्स लगाई और नॉर्मल फोर्स लगा के आपने इसकी लंबाई को चेंज कर दिया, ये लंबी हो गई, ये लंबी हो गई, कितनी लंबी हो गई? अगर ये लेंथ L1 थी, अब ये लेंथ L2 है, तो कितनी लंबी हो गई? L2 माइनस L1, जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा L। डेल्टा L का मतलब चेंज इन लेंथ। ठीक हो गया? तो चेंज इन डायमेंशन, इसमें कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? लंबाई, लेंथ। तो चेंज इन डायमेंशन में क्या आएगा? डेल्टा एल। और ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी? L1, क्योंकि ओरिजिनली इसकी लंबाई क्या थी? L1 थी। तो ये आपको ऐसा फील नहीं होता, मैंने फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ निकाला है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ निकाला है, इसी को स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन के कोई यूनिट्स तो होते नहीं, क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो डायमेंशन लेस है। तो क्या क्या स्ट्रेन का फॉर्मूला? डेल्टा एल बाई एल वन ओरिजिनल लेंथ। तो अगर स्ट्रेन लंबाई में है, लेंथ में है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लंबाई के स्ट्रेन को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। पहला स्टेप क्लियर। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास, सपोज ये एक वॉल्यूम है, एक बॉल है, एक बॉल का वॉल्यूम पहले V1 था, फिर बॉल का वॉल्यूम क्या हो गया? V2 हो गया। क्यों? क्योंकि मान लो पानी ने या किसी भी चीज ने इसको क्या किया? कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम छोटा हो गया। तो डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम कितना है? V1 माइनस V2, ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्ट्रेन का फॉर्मूला बनेगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रेन वॉल्यूम के अंदर है, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लंबाई में है तो लेंथ वाइज स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम में है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कोई डाउट इसमें? क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है, कोई कहता है जी फिर और कौन सी डायमेंशन चेंज करोगे? एरिया भी करोगे, डेंसिटी भी करोगे, और कौन कौन सी डायमेंशन चेंज? नहीं, कोई नहीं करेंगे। या तो क्वेश्चन लंबाई पे आता है या वॉल्यूम पे आता है, ना एरिया पे आएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा, या लेंथ में आएगा या वॉल्यूम में आएगा। अगर लेंथ में आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर वॉल्यूम में आया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो दो किस्म के स्ट्रेन हो गए। एक और किस्म का स्ट्रेन है, ये अलग स्ट्रेन है। इस स्ट्रेन के अंदर ये बताया जाता है कि अगर मान लो आपके पास एक, अगेन वही चीज कि ये वाला एंड क्या है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, और आपने क्या किया,
इसको ऊपर टेंजेंशियल फोर्स को लगाया और ये टेढ़ा हो गया, कितना टेढ़ा हो गया, बाय एंगल ऑफ थीटा। तो इस थीटा को भी स्ट्रेन बोलते हैं, इसके अंदर ये स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। ये वो फॉर्मूला फॉलो नहीं करता चेंज इन डायमेंशन वाला, क्यों, क्योंकि जब फोर्स टेंजेंशियल होती है तो डायमेंशन चेंज ही नहीं होती, ना लंबाई चेंज होती है ना वॉल्यूम चेंज होता है, बस बॉडी टेढ़ी होती है। तो कितनी टेढ़ी हो गई, कितने एंगल से टेढ़ी हुई, उसको भी स्ट्रेन बोलते हैं। ये अलग किस्म का स्ट्रेन है, इसको शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन कितने टाइप के हो गए, तीन, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर स्ट्रेन। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है? ठीक। अब एक साइंटिस्ट जिसको हुक्स के नाम से, हुक्स लॉ के नाम से बोला जाता है, एक लॉ है हुक्स लॉ। हुक एक साइंटिस्ट था जिसने यह बताया किसी भी बॉडी पे जो स्ट्रेस है वो उसके स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये उसने बताया। वैसे बताया क्या वो तो पता ही है आपको, कहोगे कि जितना स्ट्रेस लगाओगे, फोर्स लगाओगे, उतना ही उसकी लंबाई भी चेंज होगी तो स्ट्रेन भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना उसे दबाओगे बॉल को तो वॉल्यूम भी उतना चेंज होगा तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इसकी सेकंड एक और डेफिनेशन उसने बताई, जो स्ट्रेस है उसमें क्या आता है, फोर्स, फोर्स बाय एरिया। और डेल्टा एल में, स्ट्रेन में क्या आता है, डेल्टा एल बाय एल या डेल्टा वी बाय वी। तो यहां पर क्या लिखें, एक्सटेंशन प्रोड्यूस लिख दें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस। जैसे लंबाई है वायर के अंदर, एक्सटेंशन बोल सकते हैं कि वायर कितनी लंबी हुई, जितनी आप फोर्स लगाएंगे वायर उतनी ही लंबी हो जाएगी। तो दो डेफिनेशन उसने बताई, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, या फिर उसने क्या बताया, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। क्लियर है यहां तक? तो यहां से अगर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो स्ट्रेस इज सम कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन। तो जो स्ट्रेस है वो किसके इक्वल है, कॉन्स्टेंट इन टू स्ट्रेन। तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट की वैल्यू है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो कॉन्स्टेंट क्या हुआ, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। कोई डाउट इसमें, ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो कॉन्स्टेंट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब क्योंकि स्ट्रेन कितने टाइप का है, तीन, कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। ठीक, तो ये कांस्टेंट में तीन किस्म के आएंगे। पहला क्या आएगा, स्ट्रेस, इसमें ऐसा लिखें नॉर्मल स्ट्रेस कर दें। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों, क्योंकि जब स्ट्रेन लंबाई में है तो फोर्स तो पक्का ही परपेंडिकुलर लगी होगी, टेंजेंशियल ही लगी होगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस। ऐसे यहां पर भी क्या लिखें, नॉर्मल स्ट्रेस, लेकिन यहां पे क्या लिखें, टेंजेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंशियल स्ट्रेस ही शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है यहां तक? तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो अगर ये स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल है तो इस कांस्टेंट का जो नाम है, ठीक है, तो इस कांस्टेंट का जो नाम है वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, इसका सिंबल है वाई। मॉडुलस का मतलब कांस्टेंट है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया और डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? तो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में पहला फॉर्मूला नोट करें, इलास्टिसिटी हेडिंग डाल के, वाई यंग्स मॉडुलस इज फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल। यहां से अब फॉर्मूला नोट करने स्टार्ट करेंगे, फॉर्मूला बुकलेट के अंदर लिखना है। तो फॉर्मूला की किताब में वाई इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल।
ठीक। दूसरा, अगर नॉर्मल स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया, लेकिन स्ट्रेन क्या है, वॉल्यूम में स्ट्रेन है, तो इसकी रेशियो को क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, जिसका सिंबल बी, या कई बुक्स इसको के से रिप्रेजेंट भी करती हैं, बल्क मॉडुलस बी या के, एक ही बात है। ठीक है यहां तक? ज्यादातर न्यूमेरिकल के अंदर, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादातर न्यूमेरिकल के अंदर, सिर्फ समझने के लिए है, प्लीज ये लिखने की जरूरत नहीं, समझाया जा रहा हूं, वो ये मानता है कि बॉल को समुंदर के नीचे लेके जाएंगे और पानी उसे क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। यानी कि वॉल्यूम, पहले मान लो बॉल का 10 मीटर क्यूब है और फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 8 मीटर क्यूब। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया, 8 फाइनल में से 10 गया तो कितना आया, -2। माइनस साइन इसलिए, फाइनल में से इनिशियल माइनस करोगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बल्क मॉडुलस होता है ना, वो नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव होता है कॉन्स्टेंट। तो अब एक चीज बताओ, जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और कंप्रेस हो रही है कोई चीज, तो ये वाली टर्म डेल्टा वी आपकी क्या हो जाएगी, 99% न्यूमेरिकल में डेल्टा वी क्या आएगा, नेगेटिव। कई बुक्स ये मानती हैं हम तो कंप्रेस ही करेंगे, नेगेटिव, तो वो क्या करती हैं, और इसको क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो फॉर्मूले के अंदर क्या लगाती हैं, साइन माइनस। वो कहते हैं जी डेल्टा वी तो नेगेटिव आएगा बच्चों का, तो नेगेटिव पहले लगा देती हूं ताकि -2 और -2 प्लस हो गया। ठीक है जी, ऐसे सही। बट ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर वॉल्यूम बाय चांस कम होने की बजाय बढ़ गया, तो फिर आप यहां नेगेटिव साइन लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर वॉल्यूम 8 से 10 हो गया तो डेल्टा भी पॉजिटिव हो गया, 10 में से 8 गया, फिर नेगेटिव साइन आपको गलत आंसर देगा। वो अलग बात है कि क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं एक्सपेंशन का, क्वेश्चन ज्यादातर मेरे को कंप्रेशन का मिलता है। पर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला नोट करें, बुक्स के हिसाब से चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कंप्रेशन हो भी जाएगा तब भी ये मॉडुलस ही रहने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये फॉर्मूला नोट कर लें, माइनस के साथ साथ ही करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका फॉर्मूला, जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब बता दूंगा कैसे यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला। और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, कई बार वो क्या करता है, वो कंप्रेसिबिलिटी दे देता है, और यंग वो आपको बल्क मॉडुलस देता नहीं है, आप रेसिप्रोकल लेके पहले बल्क मॉडुलस निकालते हैं। और लास्ट है, अगर मान लो फोर्स बाय एरिया टेंजेंशियल स्ट्रेस है और ये शेयर स्ट्रेन है, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपकी बुकलेट में ये जो हैंड रिटन शीट है उसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख दिया गया है, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय थीटा। कम यूज होता है पर फिर भी इसके न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे एक बार, 2-3 न्यूमेरिकल्स, तो उसमें यूज करके दिखाऊंगा। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला फॉर्मूला ये यूज होगा, दूसरा फॉर्मूला ये यूज होगा, और तीसरा फॉर्मूला ये यूज होगा। तो तीनों फॉर्मूला नोट कर लिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, जो मैंने आपको शीट दी, अब फटाफट समझ में आएगी। अच्छा, अभी मिल रही है शीट, आपको मिल जाएगी अभी। तो अभी जो शीट दी उसमें ये किया, हुक्स लॉ, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। फिर ये बताया कि एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल टू लोड का मतलब फोर्स होता है, जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन उतनी ज्यादा होगी, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। फिर ये बताया, स्ट्रेन का डेफिनेशन बताया, और स्ट्रेन 3 किस्म के हैं ये मैंने बता दिया, अभी मैंने लिखवाया आपको। फिर मैंने बताया स्ट्रेस 2 किस्म के हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस है और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस है, ये भी बता दिया मैंने आपको। फिर मैंने बताया हुक्स लॉ से कॉन्स्टेंट स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, क्योंकि स्ट्रेस 3 किस्म के हैं तो कॉन्स्टेंट भी 3 किस्म के हैं। पहला यंग्स मॉडुलस है, लिखवा दिया। दूसरा बल्क मॉडुलस है, ये लिखवा दिया, क्योंकि बल्क मॉडुलस गैसेस और लिक्विड के लिए यूज करते हैं, गैस या लिक्विड,
तो इसलिए फोर्स बाय एरिया की जगह गैस या लिक्विड में क्या यूज करते हैं, प्रेशर, क्योंकि प्रेशर पानी का गैस का क्या होता है, स्ट्रेस नहीं होता, क्या होता है, प्रेशर होता है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, प्रेशर के साथ माइनस साइन का सिग्निफिकेंस बता दिया और लास्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बता दिया, और इन तीनों कॉन्स्टेंट को इन जनरल नाम दिया जाता है कोफिशेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीनों की तीनों क्या है, कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर ऑलरेडी मैंने एक ही नाम दिया था, कोफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्लियर है यहाँ तक? तो डेफिनेशंस यहाँ तक समझ में आ गई।